गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है बिजनेस। दोबारा से हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस ऑफ आर्सेनिक। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आर्सेनिक किस तरह से बिजनेस करता है। आर्सेनिक में बिजनेस डिजायर है, दिल करता है कि बिजनेस करूं, बिजनेस टॉक्स है, बातें करता है इसके साथ संबंधित, अपने काम काज के साथ संबंधित, अपने व्यापार के साथ संबंधित, लेकिन इसमें इनकैपेसिटी फॉर बिजनेस है, ये कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि ये इंडस्ट्रियस है, इसको काम करने की बहुत धुन होती है, इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क। और कब तक काम करता है? जब तक कि कोई भी चीज बिल्कुल प्रॉपर जगह पे प्रॉपर कर ना सके, ठीक तरह से कंप्लीट ना हो जाए। रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर, वेरी फास्टिडियस। हर चीज में छोटी छोटी बारीकियां देखना, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी ढूंढना, और तब तक चैन ना करना जब तक वो चीज अच्छी तरह से की ना जा सके। अगर वो बीमार भी हो जाता है तो भी आर्सेनिक बार बार तरह तरह के डॉक्टर्स के पास, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी कोई टेस्ट करवाना, कभी कोई टेस्ट करवाना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, वो हर रोज डॉक्टर बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर। और इसको क्या लगता है कि ये बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है? इसको लगता है कि ही इज डूइंग ऑर्डिनरी बिजनेस। ये कभी भी अपने आप को स्पेशल नहीं समझता कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। इसको हमेशा लगता है कि मैं बहुत ऑर्डिनरी, बहुत जनरल सा, आम सा व्यापार कर रहा हूँ, और मेंटल वर्क इससे किया नहीं जाता। मेहनती बहुत है, रेस्टलेसनेस बहुत है, इम्पेशियंस बहुत है, हरी बहुत है, लेकिन दिमाग का काम करने से इसको इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर बैठकर इसको काम करना पड़ जाए तो इसको स्ट्रेस होने लगता है, वरी होने लगती है, टेंशन होने लगती है। एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल वर्क एंड एंग्जाइटी, सिडेंट्री एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम, अगर सिडेंट्री कोई काम है, किसी सिडेंट्री काम, सिडेंट्री होता है जहां पे बैठ के काम करना पड़े, अगर कोई सिडेंट्री काम है, बैठ के काम करना पड़ता, तो इसको टेंशन हो जाती है। अब बात आती है इसकी डिजायर्स की, इसकी इच्छाओं की, के इसकी इच्छाएं कितनी हैं। कल हमने इप्पी कॉक की इच्छाओं की, उसके बिजनेस में बात की थी, उसको उसकी कितनी इच्छाएं हैं। आज हम बात करेंगे आर्सेनिक की कितनी इच्छाएं हैं। बहुत ग्रीडी है, बहुत ज्यादा लालची है, और कितना चाहिए इसको? ग्रीड, क्यूपिडिटी, डिजायर्स आर ग्रेटर देन हर नीड। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा चाहिए। डिजायर्स मोर देन शी नीड्स, जितना चाहिए उससे ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। जितनी जरूरत है, जितनी जरूरतें हैं उससे ज्यादा चाहिए। ईट्स मोर देन शी नीड्स, जितना खाना चाहिए, जितनी खाने की जरूरत है उससे ज्यादा खाता है, और इसमें सिंगुलर आर्सेनिक एल्बम है। ड्रिंक्स मोर देन शी नीड्स, कितना पीता है, पानी पीना, कितना पानी पीता है, जितने की जरूरत है उससे भी ज्यादा। इसके साथ एक और रूब्रिक है वॉक्स, चलता है, पैदल चलना, वॉक्स मोर देन इज गुड फॉर हेल्थ, जितना जरूरत के लिए अच्छा है उससे ज्यादा चलना। सो इसमें इतनी ग्रीड एंड लालच भरा हुआ है कि जरूरतों से बहुत ज्यादा इसको चाहिए। कभी हंसता नहीं है, स्माइलिंग नेवर, लाफिंग नेवर, और हमेशा यही डर बना रहता है कि
कहीं लुटेरे आके, कहीं कोई चोर उचक्के आके मेरा ये सब कुछ लूट के ना ले जाए। फियर ऑफ रॉबर्स बहुत होता है। रात को जागना, रात को उठ उठ के देखना, सर्च करना, रात को बेड के नीचे देखना कि कहीं कोई चोर उचक्के मेरा जो बनाया हुआ सामान है, मैंने जो खरीदा हुई चीज़ें हैं मेरी, वो चोरी तो नहीं करके लेके जा रहा। सो इस तरह से आर्सेनिक का बिजनेस इस तरह का होता है। उसमें कहीं भी एंग्जाइटी बिजनेस नहीं है, कहीं भी एलमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर या एलमेंट फ्रॉम बिजनेस केयर्स नहीं है। उसमें बिजनेस एप्टीट्यूड भी नहीं है, बल्कि बिजनेस इनकैपेसिटी है। सो इस तरह का आर्सेनिक का हिसाब होता है, लिटीजियस है, लिटिगेशन में पड़ जाता है कि ये तुमने ऐसे कैसे कर दिया, कोर्ट केस कर देना, कोर्ट में घसीट लेना अपने ओपोनेंट को। सो बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जिनमें आर्सेनिक अकेली रह जाती है या सिर्फ दो दो तीन तीन मेडिसिन्स हैं। सो ये सारा आज की जर्नी थी आर्सेनिक एल्बम की। कल हम फिर किसी और मेडिसिन की बिजनेस की जर्नी करेंगे। हम ये वीक सारा बिजनेस की जर्नी पे ही लगाएंगे कि नक्स वोमिका किस तरह से बिहेव करता है, सीपिया कैसे करता है, सल्फर कैसे करता है, पल्सटिला कैसे करता है। सो आज हमने किया आर्सेनिक एल्बम का बिजनेस। दिस इज ऑल इन टूडेज बिजनेस। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि आर्सेनिक का जो कोई रूब्रिक मेरे से रह गया रिलेटेड टू बिजनेस, वो आप लिखिए। थैंक यू।